तो ये अब हमारा हो गया सेक्शन ओपन। सबसे पहले तो हमें डालना है हमारे आर्टिकल की जो टाइटल है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है, या मेन हेडिंग कह लो आप, ठीक है। तो हम इस पे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इस सेक्शन में एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा मिलेगा टाइटल के अंदर, ठीक है। टाइटल के अंदर आपको बस अभी यहाँ पे जो भी आपके आर्टिकल का टाइटल है, जैसे हमारा बेस्ट 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया 2021, मैंने इसलिए डाला क्योंकि हम 2021 में आर्टिकल लिख रहे हैं। तो जो भी यूज़र आपको बाद में ये कंटेंट रीड करने आएगा तो उसको पता होगा कि आपकी लिस्ट अपडेटेड है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2020 कर दूंगा तो उसे ऐसा लगेगा, डेफिनेटली लगेगा कि ये जो आर्टिकल है वो लास्ट ईयर में लिखा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट में डाला कि 100% जेन्युइन रिव्यूज़ के ऊपर जो लिस्ट है हमारी वो 100% जेन्युइन रिव्यूज़ के ऊपर बेस्ड है एंड आपको इस आर्टिकल में बाइंग गाइड भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने टाइटल में ही ये सारी इन्फॉर्मेशन डाली है, ठीक है। तो यूज़र को पता लग जाना चाहिए आर्टिकल को रीड करते कि आपके कंटेंट में जो वो फर्दर रीड करेगा उसे क्या कुछ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे नीचे, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पैराग्राफ ही सिलेक्टेड होता है, ठीक है। अब चाहे प्लस पे क्लिक करके ये पैराग्राफ के फॉर्मेट ही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा, यहाँ पे आपको पैराग्राफ का फॉर्मेट ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले जो हमारा ये जो फर्स्ट लाइन है हम इसको करेंगे कॉपी एंड इस सेक्शन में आएंगे एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है जी। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हो जो पी यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है बट ये आइकन है तो इसे इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आपको डालनी है इमेज। अब इमेज कैसे डालनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस पे सिलेक्ट करो, ठीक है, प्लस पे क्लिक करो सॉरी एंड उसके बाद यहाँ पे इमेज टाइप करो, ठीक है। इमेज पे क्लिक करो, यहाँ पे आप करो मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक। अगर आपको सिस्टम से डालनी है तो आपको अपलोड पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप सिस्टम में ऑलरेडी अपलोड पहले कर चुके हो तो आपको मीडिया लाइब्रेरी के अंदर दिखेगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, अभी तो हम फीचर्ड इमेज लगा रहे हैं ना, तो ये है हमारी फीचर्ड इमेज, ठीक है, एंड इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमारी इमेज लग गई, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड देन करेंगे अलाइन सेंटर, ठीक है जी। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में, यहाँ पे अगेन हमें पैराग्राफ के फॉर्मेट में ही लिखना है, ठीक है। तो हम अगेन यहाँ पे जाएंगे जो हमारा ड्राफ्ट आर्टिकल है एंड यहाँ से कंटेंट कॉपी करेंगे। कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी कर सकते हो आप, अगर इन केस किसी को नहीं पता, आई नो ये आप सबको पता होगा बट स्टिल अगर कोई है किसी को नहीं पता एंड यहाँ पर आगे कंट्रोल प्लस वी करके पेस्ट कर सकते हो एंड उसके बाद हमें टेबल ऑफ कॉन्टेंट यहाँ पर डालना है। अभी टेबल ऑफ कंटेंट में आपको दिखेगा नहीं क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट अभी हम आगे जब कंटेंट लिखेंगे, जब टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे का जो ब्लॉक्स हैं उसको लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम बाकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो उसके बाद हमें वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बट स्टिल हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का ब्लॉक डाल देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आके सबसे पहले सर्च करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो अभी हम इसकी भी सेटिंग नहीं करेंगे, इसको करके छोड़ दो आप, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब हम कंटेंट लिख लेंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे आओ, ठीक है। यहाँ पे ये जो सब हेडिंग है हमारी ये S2 हेडिंग रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, प्लस पे यहाँ पे क्लिक करो एंड देन हेडिंग को सेलेक्ट करो, ठीक है। S2 हमारी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है तो हमें इसे छेड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आओ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखा जाएगा, एक बार लिख के बता देता हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, आप जैसे यहाँ पे कंटेंट ऐड करते जाओगे, हेडिंग ऐड करते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, तब नेक्स्ट ब्लॉक पे आ जाओगे, देन अगेन आपको ये इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ के अंदर डालनी है, ठीक है। कॉपी करो अगेन, यहाँ पे आओ, देन पेस्ट करो, ठीक है जी। पहले जो मॉडल है उसकी जो हेडिंग है उसका टाइटल है वो हमें डालना है H3 हेडिंग के अंदर, ठीक है, H3 हेडिंग के अंदर। यहाँ पे आएंगे,
ठीक है, सेलेक्ट करेंगे हम हेडिंग अगेन, S2 यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम यहाँ से H3 को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे हम डाल देंगे हमारी हेडिंग, ठीक है। उसके बाद हमने अगेन यहाँ पे रेटिंग्स डाल ली है। रेटिंग को चेक करने का सीधा सा एक तरीका है, आप जब अमेज़ॉन पर जाते हो, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको सर्च करो, अमेज़ॉन का लिंक ही आ जाएगा, ठीक है, अमेज़ॉन पर जाओ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको रेटिंग मिली है 4 out of 5 बेस्ड अपॉन 4324 रेटिंग्स। आप अप्रॉक्सीमेट डेटा यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो भी ये डाल देता हूँ, रेटिंग 4 out of 5 बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेटली 4129 रेटिंग्स, ठीक है। एंड आप इसको भी इसको गोल्ड में कर दो, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको जो मैंने लिखा है मैं डायरेक्टली उसको कॉपी करके बता देता हूँ, ठीक है, आप मतलब खुद थोड़ा आइडियलाइज करके भी इसको देख सकते हो, थोड़ा खुद रीथिंक करके ये आपको डेटा को कैसे लिखना है। सभी एग्जैक्टली सेम चीज़ कॉपी करोगे तो सभी के आर्टिकल सेम ही दिखेंगे, ठीक है, आई डोंट वांट दैट। अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाओ, ठीक है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो एंड इफ़ यू नीड माई हेल्प यू नो आई एम देयर, ठीक है, मुझसे पूछो, ठीक है, वी विल थिंक ओवर इट अगेन एंड हम एक नए तरीके से भी लिख सकते हैं। बट अभी एक बेसिक फॉर्मेट है जो आपको समझ में आ जाएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें फॉलो करके, ठीक है। तो अभी हम इसी तरीके से लिखेंगे सो दैट आपको ये ईजिएस्ट फॉर्मेट है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको कुछ क्रिएटिविटी दिखानी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। एंड ये मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें हम बैकलिंक कैसे लगाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसको हम पहले बोल्ड में कर देंगे एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन जो URL होगा ना, जैसे अभी ये URL आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमें ये URL नहीं डालना। जब हम एफिलिएट में रजिस्टर करेंगे तो हमें एक URL अलग से मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो एफिलिएट लिंक का URL होता है तो आपको वो URL अलग से मिलेगा, वो URL आपको डालना है, वो आपका ट्रैकिंग URL होगा। अगर आप ये URL डालोगे तो ये पेज खुल जाएगा बट आपके लिंक पे क्लिक करके वो यूज़र अमेज़न पर गया ये ट्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आपको वो लिंक डालना है। बट डालना कैसे है वो मैं आपको अभी वैसे बता देता हूँ, अभी हम हटा देंगे डालने के बाद, ठीक है। जैसे मैंने इस पर यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अभी ये क्लिकेबल टेक्स्ट बन गया। अभी हम इसको हटा देंगे दोबारा यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। URL कैसे डालना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी के लिए हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो अब हमें इमेज सेलेक्ट करनी है दोबारा, ठीक है, हम मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे क्योंकि इमेजेस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड देन सेलेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको ब्लॉक के सेटिंग्स के अंदर आना है एंड इमेज साइज मीडियम सेलेक्ट करना है, ठीक है, देन यहाँ पे आओ, देन इसके अलाइनमेंट आपको दोबारा सेंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन में जाना है अगेन, यहाँ पे अगेन आपको पैराग्राफ की यहाँ पे इस ब्लॉक को सिलेक्ट करना है एंड पेस्ट इट ओवर हियर अगेन, ठीक है। इसका थोड़ी हम साइज बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, जैसे यहाँ से फॉन्ट साइज सेलेक्ट करके स्पेसिफिकली इस टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज बढ़ाएगा ये, ठीक है, हम मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं लिस्ट, तो ये जो आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है, वो आपको दिख रही है लिस्ट की वजह से, तो यहाँ पे हम पहले लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, देन दोबारा इस वेब पेज पर आएंगे एंड इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स,
सो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया कि आपको लिस्ट कैसे सिलेक्ट करनी है, इमेजेस कैसे सिलेक्ट करनी है, कैसे उसको सेंटर पे अलाइन करना है, कैसे यहाँ पे टेक्स्ट डालना है एंड कैसे इस टेक्स्ट को क्लिकेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और रिव्यूज़ कैसे यहाँ पे डालने हैं, कैसे इसका टाइटल यहाँ पे H3 हेडिंग के अंदर डालना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बाकी हमने लिस्टिंग कर रखी है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं सब कुछ आपको टाइप करके दिखाऊंगा तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा लेक्चर, एंड ये सब कुछ सेम ही फॉर्मेट फॉलो करके आपको सारी लिस्टिंग करनी है, ठीक है। तो इसको दोबारा रिपीट करने का आई थिंक कोई बेनिफिट नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कॉपी कर लिया, अब हमने यहाँ पे आएंगे, सॉरी लिस्ट के नीचे नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर जाएंगे, सॉरी, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। जो बाकी फॉर लिस्टिंग थी वो भी यहाँ पे पेस्ट हो गई है, ठीक है, देख रहे हो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेबल ऑफ कंटेंट में भी वो लिस्टिंग्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जा रही हैं अपने आप, ठीक है। इसके बाद हमने लिस्टिंग के बाद हमने डाला है एक और सब हेडिंग, हम यहाँ पे H2 सब हेडिंग डालेंगे, विच इज़ बेस्ट ब्रांड्स इन रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, एंड देन यहाँ पे सबसे पहले तो हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, H2 ही है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन अगेन यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, ठीक है, इस टेक्स्ट को आपको क्लिकेबल टेक्स्ट या फिर सिंपली हाइपरलिंक में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अभी बताया है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, एंड ऐसे ही आपको बाइंग गाइड को H2 हेडिंग के अंदर डालना है, देन नेक्स्ट ब्लॉक में H2 हेडिंग दोबारा देनी है, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन पैराग्राफ सिलेक्ट करने हैं, इसको अगेन H3 हेडिंग में डालना है, इसको जो हमारे कैटेगरी का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स का जो टाइटल है। देन उसके बाद इमेज डालनी है, ठीक है, इमेज को सेंटर पे अलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद अगेन वही पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ा के देन नीचे लिस्ट डाल देनी है, जैसे अभी हमने ऊपर किया था, ठीक है। ऐसे ही डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स के लिए, ऐसे ही ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर्स के लिए, ऐसे ही साइड बाई साइड डोर के लिए। उसके बाद दोबारा नीचे आएंगे, फैमिली साइज एंड कैपेसिटी के लिए हम H2 हेडिंग सेलेक्ट करेंगे दोबारा, एंड देन इसके अंदर फैमिली साइज और कैपेसिटी का जो कंटेंट होगा, जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल परचेजिंग द मोस्ट कंपैटिबल रेफ्रिजरेटर फॉर वन्स हाउस इज द कैपेसिटी साइज वन नीड्स, एंड दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन योर फैमिली साइज। कीप इन माइंड इज दैट विद साइज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। जनरली जो एक स्मॉल साइज फैमिली होती है 2 से 3 लोगों की, उनके लिए 200 लीटर्स की कैपेसिटी ठीक रहती है, आइडियल कैपेसिटी रहती है। देन उसके बाद अगर 3 से 4 मेंबर्स की फैमिली है, देन हम 220 से 320 लीटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जॉइंट फैमिलीज के लिए 350 लीटर्स आइडियल कैपेसिटी रहती है, ठीक है। डायमेंशंस को कैसे चेक करना है वो यहाँ पे बताया, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है कि जो रेफ्रिजरेटर है उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कितनी है, और उसको डिफाइन करना है यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस के अंदर, ठीक है। मैंने डिफाइन नहीं किया है, बट यहाँ पे आप डाल सकते हो, आपको डालना ही है एक्चुअली, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इसमें डाला है डायमेंशंस के अंदर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, मिलीमीटर के अंदर इसकी जो डायमेंशंस की स्पेसिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, तो आपको ये मेंशन करनी है, ठीक है। देन जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उसके अंदर डीफ्रोस्टिंग टाइप्स क्या क्या होती हैं, एनर्जी रेटिंग क्या होती है, ये सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ें आपको कैसे सीखने को मिलेंगी वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कि आपको ये सारा कंटेंट स्टडी करना है। जो ऑलरेडी रैंकिंग वेब पेजेस हैं उनकी वेब पेजेस पर जाओ, स्टडी करो, जो टेक्नोलॉजीज वहाँ पे लिखी हुई हैं उनके बारे में दोबारा गूगल पर स्टडी करो। जैसे अगर मैं सपोजिंगली किसी भी आर्टिकल पर जाता हूँ, ठीक है, दोबारा चलते हैं हम एक बार, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस के आर्टिकल पे, ठीक है। देन मैं यहाँ बाइंग गाइड पे आता हूँ, नीचे टाइप्स ऑफ कंप्रेशर है ना, यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ कंप्रेशर देख लिया। आपको ये कंटेंट पढ़ना तो है, बट ये कॉपी नहीं करना कभी भी, ठीक है। प्लैगरिज्म का इशू मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो कभी भी कॉपी नहीं करना, इसको पढ़ो, समझो कि चीज़ है क्या, देन दोबारा गूगल पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे जाके
दोबारा सर्च करो टाइप्स ऑफ कंप्रेशर इन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत से ऐसे ब्लॉग्स होंगे जो स्पेसिफिकली आपको कंप्रेशर्स के बारे में बता रहे होंगे, जैसे एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस ने तो सिर्फ इतना सा कंटेंट दिया है रिगार्डिंग कंप्रेशर्स इन रेफ्रिजरेटर्स। आप गूगल पे जाओगे तो आपको पूरे पूरे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही आप सब सेक्शन बाकी ले सकते हो, उनके बारे में स्टडी करो, ठीक है। आपकी नॉलेज भी गेन होगी और यूज़र के लिए भी आप एक और इन्फॉर्मेशन कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। टेक्निकल इनोवेशन क्या हैं रेफ्रिजरेटर के, सारे कॉन्टेंट आपको रीड करना है, आपको पहले सीखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोचोगे कि बिना सीखे आप लिख दोगे तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको ये बाकी सारे सेगमेंट भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे सेक्शन लिखने हैं। अगर मैं सारा लिख के दिखाऊंगा तो आई टोल्ड यू कि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें और भी चीज़ें करनी है इस लेक्चर के अंदर, तो सिर्फ यही नहीं है, अभी इसको हमने मोनेटाइज भी करना है, तो वो भी आपको सिखाना है मैंने, ठीक है। तो अभी हमने सारा कंटेंट यहाँ से कॉपी करके हमारे नए वेब पेज के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी सब कुछ यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब अगर आप देखना चाहोगे कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो प्रीव्यू का बटन है आपको उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे करो प्रीव्यू इन न्यू टैब, ठीक है। तो अब आप आगे यहाँ पे, तो ये आर्टिकल है जो भी आपने ऑलरेडी लिखा है। अभी हम इसको यहाँ पे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, अभी हमने इसकी सेटिंग्स को चेंज नहीं किया, अभी हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने URL भी लगाना है, वो हम बाद में लगाएंगे जब हम एफिलिएट लिंक एफिलिएट के साथ रजिस्टर कर लेंगे एंड वहाँ से हमें एफिलिएट लिंक मिलेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अभी कॉन्टेंट हमने कॉपी किया था, वहाँ पर लिंक ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो लिंक मैंने पहले टेस्टिंग के लिए लगाए थे, ठीक है, तो वो लगे हुए हैं, तो हमने कॉपी किया था, तो वही कंटेंट अभी यहाँ पे हमें इस वेब पेज के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके वेब पेज के ऊपर आर्टिकल दिखेगा, ठीक है, जिसका टाइटल है 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया 2021, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने आर्टिकल लिख तो लिया, अब जो कि हम कहते रहते हैं कि हम कॉन्टेंट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जो कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने योस्ट SEO प्लगइन इंस्टॉल किया था, तो वो हमारी यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है। तो हम सबसे पहले आएंगे नीचे, ठीक है, एंड यहाँ पे योस्ट SEO को आपको हेडिंग दिख रही है ना, यहाँ पे फोकस की फ्रेज डालेंगे हम सबसे पहले, तो ठीक है, जो कि है हमारा बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ नीचे आएंगे एंड सबसे पहले हम डालेंगे हमारे जो इसका SEO का टाइटल, जो हमारा गूगल की सर्च इंजन रिजल्ट वेब पेज के ऊपर दिखेगा, ये स्निपेट आपको वहाँ पे दिखता है ना, ठीक है। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया। आपको ये एश्योर करना है कि इसके अंदर हमारा टारगेट कीवर्ड ज़रूर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम डाल देते हैं साथ में 2021, जो कि यहीं से कॉपी कर लेते हैं पहले एक बार पूरा, ठीक है। एंड यहाँ पे डाल देते हैं, इतनी लंबी लेंथ नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे अभी पहले, ठीक है। That's all, ठीक है। इसमें हमारा टारगेट कीवर्ड भी आ गया, ये हमारे वेब पेज का मेन टाइटल भी है, हेडिंग भी है, मेन हेडिंग भी है, ठीक है। जो स्लग है इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे, स्लग में रहने देंगे सिर्फ बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया, ठीक है, जो कि हमारा टारगेट कीवर्ड है अगेन। देन मेटा डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे कि इस वेब पेज के ऊपर यूज़र को क्या मिलेगा, ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारा ये वेब पेज। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन
कंपाइलिंग। लिस्ट ऑफ बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया। And we also provide a buying guide for the top fridges in India। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने best refrigerators को भी use कर लिया, हमने टॉप फ्रिजेस को भी यूज़ कर लिया। तो कुछ यूज़र्स होते हैं जो वो गूगल पे जाके सर्च करेंगे बेस्ट फ्रिजेस इन इंडिया। मैंने आपको बताया था आपको सैनोनियम्स भी यूज़ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेम कीवर्ड रिपीट भी नहीं होता, ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं होती, एंड आप एक सैनोनियम डाल के एक सिमिलर कीवर्ड डाल के टेंडेंसी बढ़ा लेते हो आपके वेब पेज को ईजिली इंडेक्स करवाने की। उसके बाद हम आएंगे ऊपर एंड यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो ऑल टेक्स्ट है ना, हम यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हमारे आर्टिकल का जो टाइटल है उसमें जो हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है, हमें एग्जैक्टली वही कीवर्ड यहाँ पे डाल देना है, या 5B लगा लो, ठीक है, 21B डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, इस इमेज को दोबारा सिलेक्ट करेंगे एंड जो इस मॉडल का जो टाइटल है हमें उसे कॉपी करना है, इस इमेज को सिलेक्ट करना है ऑल टेक्स्ट के अंदर, इसके टाइटल को यहाँ पे दोबारा डाल देना है, ठीक है। ऐसे ही हमें बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके साथ भी ये सेम चीज़ करनी है, ठीक है। ये सब कुछ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। इससे होगा ये कि जब कभी आपकी इमेज लोड नहीं हो पाएगी या फिर गूगल को आपको समझाना है कि इमेज किस चीज़ की है, तो उसे ये ऑल टेक्स्ट रीड करके समझ में आ जाएगा कि इस इमेज के थ्रू आप जो दिखाना चाह रहे हो वो यूज़र को, वो एक रेफ्रिजरेटर की इमेज है जो कि हायर का मॉडल है एंड उसकी ये उसकी स्पेसिफिकेशन है कि उसका मॉडल नंबर है, ठीक है। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि गूगल के रोबोट इमेज को देख नहीं सकते, रीड कर सकते हैं, एंड रीड कराने के लिए हमें ऑल टेक को डिफाइन करना ज़रूरी होता है। कुछ बेसिक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको करना ही है क्योंकि ये एक वन टाइम टास्क है, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी आप आर्टिकल लिखो उसको पब्लिश करने से पहले ये सारी ऑप्टिमाइजेशन कर दो, ठीक है, ताकि बाद में कभी कभार मिस हो जाती हैं, फिर अब सोचते हो कि मैं दोबारा करूँगा, दोबारा हो नहीं पाती, ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ दोबारा नीचे आएंगे एंड सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स के टाइटल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन अगेन इसके ऑल टैग में भी ये डाल देंगे सेम टेक्स्ट, ठीक है। अगेन कमिंग ओवर हियर, ठीक है, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर्स को अगेन एंड इसके ऑल टेक्स्ट में भी इंफॉर्मेशन डाल देंगे। उसके बाद साइड बाय साइड डोर्स को सेलेक्ट करेंगे। इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो ये चीज़ भूलनी नहीं है आपने। तो ये हो गया इमेज के ऑल टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करना। अच्छा, एक चीज़ और होती है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, बट आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इमेज डाउनलोड करोगे तो आपको इमेज को पहले कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने से क्या होगा, इमेज का जो साइज़ होगा, जो उसका वेट होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो उस वो आपकी वेब पेज को हेल्प करेगा और यू नो रैपिडली लोड होने में, तेज़ी से लोड होने में। तो अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, इस इमेज को दोबारा एक नए टैब में खोलते हैं। जब आप यहाँ से डाउनलोड करोगे ना, तो आपने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर ली, ठीक है, सेव कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, आप जाओ गूगल पर, ठीक है, एंड सर्च करो इमेज कंप्रेशन ऑनलाइन,
ठीक है, देयर इज अ मोर लिंक, आई लव IMG, ठीक है, आप इस वेब पेज पर जाओ, इस वेबसाइट पर जाओ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने सिस्टम से इमेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको कंप्रेस इमेजेस पर क्लिक करना है, ठीक है, फिर आपको डाउनलोड कंप्रेस इमेजेस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आप, आपकी जो इमेज का साइज़ था वो था पहले अप्रॉक्सीमेटली 48.94 KB, एंड अब वो रिड्यूस होकर रह गया है 36.83 KB पर। एंड एक और टिप देता हूँ आपको, इसके बाद आप दोबारा ही कुछ चीज़ और करो, ठीक है, जो इमेज आपने डाउनलोड कर लिया उसके बाद दोबारा कंप्रेस करो। जब दोबारा कंप्रेस करोगे तो डेफिनेटली उसका जो साइज़ है वो तो और रिड्यूस होगा। एंड जब तक ये जो यहाँ पे आपको 25% सेव दिख रहा है ना, जब तक वो 1-2% के आसपास नहीं आ जाता, उसको कंप्रेस करते रहो, ठीक है। आई नो थोड़ा हेक्टिक वाला टास्क हो जाएगा आपके लिए, बट ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए लॉन्ग टर्म में। आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो कभी कम नहीं होगी ड्यू टू इमेजेस, ठीक है। एंड ऐसे ही आपको सभी इमेजेस के लिए करना है, ठीक है। आप पहले सारी इमेजेस डाउनलोड कर लो, ठीक है, तब जब यहाँ पे दोबारा आओगे सेलेक्ट इमेजेस को, यहाँ पे जब सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो सारी इमेजेस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड देन इकट्ठी उनको कंप्रेस कर सकते हो। देन वो आपके सिस्टम में कंप्रेस फोल्डर के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी, देन उसको यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर दोबारा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इमेज कंप्रेशन का जो फ़ायदा होगा वो आपके लिए, आपकी वेबसाइट के लिए पेज स्पीड में उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई हैव शोन यू द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल, लाइक हाउ टू यूज हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, एंड हाउ टू डू सम बेसिक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। Rest of it should be done by you. You can do some sort of research on your product and how to write article for the same. And if you face any kind of issues, don't worry. You can just write to us. Me and my team will be there to help you. And if in any case you don't want to do all these efforts of writing articles on your own, there are many websites or freelancers who can do this for you. Just go on Google and search for hire content writers online. And here you can see some bunch of websites providing freelancing content writers. तो freelancing content writers करते क्या है, ये projects लेते हैं online, ठीक है। जैसे इन्होंने supposingly आपका project ले लिया, तो आपने इन्हें कहा कि content writer please write a 2000 word article for my website, ठीक है। तो इनका जो average charge रहता है, it's says between 50 पैसे to 1 rupee per word, ठीक है। तो अगर आपने एक 2000 word का article दिया है तो आपको approximately 1000 rupees pay करने पड़ेंगे content writer को, ठीक है। तो दिस इज एन ऑप्शन फॉर पीपल हु डजंट हैव द मनी प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू हाउ यू कैन लिंक योर वेबसाइट टू Amazon एफिलिएट अकाउंट एंड हाउ यू कैन इंसर्ट एफिलिएट लिंक्स इन योर कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर दिस लेक्चर, जस्ट राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर।